ग्वालियर से विशेष सूचना। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रस एजुकेशन के नाम से भारत के छात्रों को रूस में एमबीबीएस की डिग्री दिलाने के नाम पर फरेब किया जा रहा है। वर्तमान में कंपनी के कुछ अधिकारी ग्वालियर के विद्यार्थियों को ठगने के लिए मौजूद हैं। हमारा ग्वालियर के विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह सावधान रहें एवं इस फरेब में ना फंसें और अपने पैसे ना उलझाएं, क्योंकि इस कंपनी के खिलाफ कई आपराधिक और धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। पूरे भारत के 133 छात्रों के अलावा जिन्हें रूस में इस्मोलेक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि इन्हें अपने दूसरे वर्ष में रूसी माध्यम में पढ़ाया गया था। श्रीलंका के छात्रों को भी विश्वविद्यालय में इसी तरह की दुर्दशा का सामना करना पड़ा था। शहर के वकीलों ने 2015 में दर्ज इसी तरह की कार्रवाई में सीबीआई से जांच की मांग की है। वर्तमान में रश एजुकेशन के लोग ग्वालियर की होटल क्लार्क इन में मौजूद हैं, जहां पे छात्रों के इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्हें रशिया में पढ़ने के लिए जानकारी दे रहे हैं। अब यह भी सामने आया है कि ठाणे के एक छात्र की कथित तौर पर ठगने के आरोप में रस एजुकेशन और चार कर्मचारियों के खिलाफ 2015 में प्राथमिक सूचना दर्ज की गई थी। एक प्रसिद्ध कानूनी फर्म के वकील 36 वर्षीय प्यारेलाल गौतम ने 2013 में अपने 25 वर्षीय भाई संजय कुमार गौतम को रूस भेजा था और उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए टबर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था। रूस एजुकेशन ने गौतम से कथित तौर पर वादा किया था यह कोर्स अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। जब विश्वविद्यालय ने तीसरे वर्ष में रूसी में पाठ शुरू किया तो गौतम चौंक गए। गौतम अब विश्वविद्यालय में चौथे वर्ष के छात्र हैं। टेबर स्टेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑक्सनोवा स्ट्रीट में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वकील और एक अनुवादक की मदद से 15 अक्टूबर को छात्रों द्वारा रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। टबर यूनिवर्सिटी में करीब 460 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कथित वित्तीय धोखाधड़ी विदेशों में छात्र को ठगने के एक बड़े मामले में एक कंसल्टेंसी कंपनी के खिलाफ रूसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले छात्रों से अधिक शुल्क वसूलने का मामला भी दर्ज किया गया है। टवेर स्टेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑक्सनोवा स्ट्रीट में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वकील और एक अनुवादक की मदद से 15 अक्टूबर को छात्रों द्वारा रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। टवर यूनिवर्सिटी में 450 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अधिकांश छात्र रूस में विश्वविद्यालय में आवेदन करते समय एजेंटों के माध्यम से संपर्क करते हैं, क्योंकि अधिकाधिक दस्तावेज रूसी में है। इस मामले में कई भारतीय छात्रों ने एजेंसी संपर्क किया जिनके बेंगलोर और दिल्ली में कार्यालय हैं। वर्तमान में जो छात्र ग्वालियर में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं इस कंसल्टेंसी सर्विसेज को, जिसका नाम रस एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं टोहर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं कॉलेज में रूस एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू आया था। जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 3rd ईयर के बाद रूसकी में पढ़ाई होती है, जबकि उन्होंने मुझे इंडिया में ये बोला था कि ये यूनिवर्सिटी 6th ईयर तक टोटल इंग्लिश में है और फीस इसकी $6,000 पर ईयर है। मैं MBBS सेमिनार था, मैं मेडिकल एस्पिरेंट हूँ, तो अब्रॉड के लिए कॉलेज के लिए देखने आया था। तो ये कंपनी काफ़ी फेमस है, इसके एड्स वगैरह देख के मैं आया था। तो बता रहे थे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में एडमिशन करवा देते हैं। प्राइस बता रहे थे आपको? अब अगर वन टाइम में देते हैं तो वही आपका 16-17 लाख तक, अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो वही आपका 22-23 लाख तक। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।